सीहोर में दिव्यांग परीक्षण एवं चिन्हांकन शिविर में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने ट्राई साइकिल से दिव्यांग संतोष को पंजीयन केंद्र से परीक्षण केंद्र तक ले गए। उन्होंने संतोष कुशवाहा से उनके हाल चाल जाने और उनसे कहा कि वह अपने सभी परिचितों को बताएं कि इस दिव्यांग शिविर में परीक्षण के लिए अवश्य आएं। कलेक्टर सिंह ने पंजीयन काउंटर, परीक्षण कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए चिकित्सकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांग शिविर में परीक्षण के लिए आने वाले दिव्यांगजनों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने दिव्यांगजनों और उनके परिजनों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और पेयजल आदि के निर्देश दिए। शिविर स्थल पर दिव्यांगजनों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 7 पंजीयन काउंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही चिकित्सकों के दल द्वारा 7 कक्ष में दिव्यांगजनों का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्यक्ष एलिम्को द्वारा कृत्रिम अंगों के लिए दिव्यांगजनों का मेजरमेंट लिया जा रहा है। शिविर में दिव्यांगतावार मेडिकल विशेषज्ञ, अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक एलिम्को की टीम तथा जिला पुनर्वास केंद्र के विशेषज्ञ उपस्थित हैं। निरीक्षण के दौरान SDM अमन मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिला प्रशासन निरंतर रूप से कर्मचारियों से अनुरोध है कि कृपया माननीय जिलाधीश महोदय जिस कार्य को आदर्श मानते हुए इस शिविर में अपनी सेवाओं को सेवा के कर्तव्य के साथ सेवा से जोड़ कर देखें। इनका 80% है। बहुत भाग्यशाली है कि हमें दिव्यांगों को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। मंच के इस तरफ देखे, एक कागज की पावती प्राप्त होगी जिस पर एक सील मोहर लगी है, उस पे आपका नाम और आपकी जानकारी भरी होगी। इस पावती को आपको संभाल कर रखना है। मेरा निवेदन है इस पावती को आपको संभाल कर रखना है।